हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बैकपैक बैग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये 3 पीस ले लिए सेम मेजरमेंट के, 9.5 बाय 7.5 इंच यानी कि 9.5 इंच बाय 7.5 इंच। तीनों पीस सेम मेजरमेंट के, चौड़ाई है 9.5 इंच और लंबाई है 7.5 इंच। उसमें से हमें 2.5 इंच पे एक पीस पे मार्क कर लेना है। जो 7.5 इंच है उसमें से हमें 2 इंच कट करना है और बाद में हमें ले लेनी है 8 इंच की जिप और साइड में लगाने के लिए ये 4 पीसेस लेने 2.5 इंच बाय 1.5 इंच के। तो उसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड इसकी पैक कर लेंगे। तो इस साइड से दोनों साइड पैक हो गई यहाँ पे, अभी इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के जिप के नाप का ये पीस हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोनों साइज, दोनों साइड हमारी पैक हो गई और इसमें रनर पहले से ही ऐड कर लेना है जिप में और फिर ये यहाँ पे स्टिच कर लेना है दोनों पीस में। ये देखिए स्टिच करके हो गए, अभी यहाँ पे कर लेनी है टॉप स्टिच। इस तरह से जिप के किनारे पे मशीन चलाते हुए हमें इस पर टॉप स्टिच कर लेनी है। तो टॉप स्टिच हो जाए बाद में इसी नाप का हमें अस्तर का टुकड़ा लेना है, पर उससे पहले यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप दे देंगे जिप के ऊपर के कॉर्नर पे, और नीचे की साइड है जो जिप के सामने की साइड वहाँ पे हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। फिर ये पीस ले लिया और यहाँ पे चारों ओर सिलाई करके ये पीस इसमें जोड़ लेंगे तो ये हमारा एक पॉकेट बन जाएगा। तो देखिए अंदर की साइड पॉकेट बन गया। अभी ये मैंने राउंड पूरा नाप के वही नाप की जिप ले ली है, जिप को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो हमने सेंटर का मार्क किया है ना, वहाँ पे हमें जिप अटैच नहीं किए, बाकी तीनों जगह पे हमने जिप अटैच किए। जिप अटैच हो गई, बाद में इसे यहाँ पे टॉप स्टिच करके दबा देंगे। तो ये टॉप स्टिच हो गई हमारी और इसमें रनर भी ऐड कर लेना है। अभी हम बाकी के 2 पीस ले लेंगे और उसमें ऊपर की साइड यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद इसे कर लेंगे सीधा, यहाँ पे तीनों साइड स्टिच करेंगे और ऊपर साइड हम जो पैक किया है ना वहाँ पे टॉप स्टिच करके ये पीस को इस तरह से अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। हम नीचे की साइड ही करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर की साइड जो पैक की है वो ऊपर की साइड है और जो खुली है वो नीचे की है। अभी यहाँ पे छोटी छोटी इसे प्लीट लगा के यहाँ पे सिलाई कर लेनी है, जो खुला है पैक नहीं किया है वो, और जो पैक किया है वहाँ पे ये इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक मैंने 5.5 इंच की ले ली है और इसे ऊपर की साइड हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसे अटैच करना है दोनों पीस में। तो मैं एक पीस में आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इलास्टिक को खींचते हुए पीस में अटैच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा बॉटल रखने के लिए पॉकेट बनेगा। तो ये दो साइड में 2 पॉकेट हम बनाएंगे, ये हम बैकपैक बैग बना रहे हैं तो इसमें बॉटल के लिए साइड में ये पॉकेट रहता है, तो हम ये इसके लिए बना रहे हैं। तो मैंने ये 2 पॉकेट बनाए, आप चाहे तो एक भी बना सकते। तो ये देखिए ये हो गया और अभी ये भी मैंने रेडी करके ले लिया। अभी तीसरा ये पीस, अभी ये तीनों को हम ये पीस में अटैच करेंगे। पहले मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता दूं, तो ये मैंने पीस क्विट करके ले लिया है और मेज़रमेंट लिया है 16.5 इंच बाय 25 इंच है वो हमारी चौड़ाई है और 16.5 इंच है वो हमारी हाइट है। तो अभी 25 इंच है वहाँ पे हमें सेंटर का मार्क कर लेना है और ये पॉकेट है ना जो जिप लगाया है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैं आपको ये अटैच करके भी दिखाती हूँ तो किस तरह से इसे अटैच करना है। ये देखिए सेंटर को पिनअप कर लिया और फिर साइड में इस तरह से घुमाते हुए चारों साइड इसे जिप के ऊपर मशीन चलाते हुए पैक कर लेंगे। और आप चाहें तो जिप के ऊपर डबल सिलाई भी कर सकते हैं ताकि ये हमारा पॉकेट मजबूत बन जाए। ये देखिए ये पॉकेट हमारा अटैच हो गया और अभी ये पॉकेट है ना हम यहाँ पे अटैच करेंगे। जो पॉकेट हमने जिप वाला लगा है उससे थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए ये पॉकेट हमें यहाँ पे रखना है और साइड में भी हमें सिलाई जितना छोड़ के ये पॉकेट हमें अटैच करना है और इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और जो हमने यहाँ पे प्लीट्स ली वहाँ पे हमारा सेंटर है वो मैच कर लेंगे और फिर
इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए उंगली जितना मैंने साइड में छोड़ लिया है, जो हम सिलाई करेंगे ना तभी ये इस पर सिलाई ना आए इसके लिए। और जो पॉकेट है ना इलास्टिक वाला, उसे आधा आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, दोनों साइड, नीचे की साइड हमें नहीं करना है, साइड साइड में हमें आधा आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके इसे अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए ये पॉकेट मेरा अटैच हो गया और दूसरी साइड भी मैंने ये पॉकेट अटैच कर लिया है। तो इस तरह से एक ही पीस में हमारे दो पॉकेट अटैच हो गए। और अभी यहाँ पे 25 इंच है, वहाँ से इसे फोल्ड करना है और वहाँ पे हम शेप देंगे। तो 5.5 इंच पे इस तरह से अंदर की साइड जाते हुए करना है मार्क, और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए 7 पॉइंट पे मार्क करना है, 7 इंच पे सॉरी। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और फिर जो कॉर्नर है वहाँ पे कर लेना है इस तरह से राउंड शेप। राउंड शेप हो जाए वही राउंड शेप में इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा सा ही राउंड शेप देना है। फिर ये जो सर्कल है ना वही आपको नाप लेना है और वही नाप की जिप लेनी है। जिप लगाने से पहले यहाँ पे आपको दोनों पीस में सेंटर का मार्क कर लेना है। आपने मेरे दूसरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताया है मैंने क्योंकि ये सेंटर मार्क क्यों करते। अभी ये राउंड की नाप की मैंने जिप ले ली और जिप में भी सेंटर का मार्क कर लिया है। मैंने पहले किया है पर आप बाद में कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आगे पीछे जिप हो जाती है। अभी पहले हम ये पीस में जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर मैच करेंगे और बाद में हमें ये जिप इस तरह से अटैच करनी है। मैंने ये की थी तो बीच में थोड़ी जिप एक्स्ट्रा आ गई थी, तो बाद में मैंने इसे कट किया। तो आप पहले पूरी पिनअप कर लीजिएगा जिप को और बाद में अटैच कीजिएगा, तो जिप बराबर दोनों साइड आ जाए। तो इस तरह से मेरी जिप अटैच हो गई। अभी इस पर टॉप स्टिच भी लगा दी और जो सेंटर है वहाँ ऊपर की साइड जिप पर हमें सेंटर भी कर लेना है। और ये सेंटर और ये सेंटर, ये दोनों जिप का सेंटर और नीचे वाला जो पार्ट है ना उसका सेंटर, दोनों मैच करना है और यहाँ से स्टिच करके ये पार्ट यहाँ पे जोड़ लेना है। ये देखिए ये जोड़ के भी हो गया और इतना एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको क्रॉस में इस तरह से कटिंग कर लेना है जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो, और यहाँ उल्टा करके कर लेंगे टॉप स्टिच, पूरे में उल्टा करके टॉप स्टिच कर लेनी है। टॉप स्टिच हो गई, अभी इसे बीच का पार्ट रखेंगे और रनर ऐड कर देंगे। दोनों साइड से एक एक रनर ऐड करेंगे, तो इस तरह से रनर भी हमारे ऐड हो गए। अभी हम यहाँ पे और एक शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे 25 इंच है वहाँ से, और पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा पीस पूरा अच्छी तरह से पैक रहे, हिले नहीं अपनी जगह से। और 3 इंच पे ये देखिए 6 इंच है, तो 3 इंच इसका सेंटर होता है, तो हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। जो 3 इंच पे मार्क किया वो नीचे की साइड जाते हुए 6 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें क्रॉस में ये लाइन कर लेनी है सिलाई जितना छोड़ के। ये देखिए आपको वीडियो में दिखता होगा वैसा ही करना है। जिप लगाइए, उससे भी उंगली जितना डिस्टेंस है और जो हमने साइड में सिलाई करने के लिए हिस्सा छोड़ा है वहाँ पे भी उंगली जितना डिस्टेंस है उतना रख के बाकी का जो ड्रॉ किया वो कट करना है। कट करने के बाद इसे यहाँ पे सिलाई करके पैक कर लेना है। ये देखिए ये सिलाई करके पैक हो गया, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा रेडी हो चुका है। और अभी यहाँ पे हम सेंटर का मार्क निकालेंगे। ये देखिए सेंटर का मार्क हमने कर लिया और यहाँ पे हैंडल अटैच करेंगे। तो जो सेंटर है वहाँ से हम साइड में 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे मार्क करके हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल के लिए कपड़ा ले लिया 11.5 इंच बाय 4 इंच का, इसको उल्टा किया, बीच में मैंने ये हार्ड कपड़ा रखा और इस तरह से फोल्ड किया और स्टिच कर लिया। तो ये हमारा हैंडल बन गया। और जो 3 इंच पे हमने मार्क किया था 3 इंच पे, वहाँ पे इसे रख के स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारा हैंडल बन गया, मार्क हो गया। अभी इसकी पीछे का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया 13.5 इंच बाय 16.5 इंच। हमें 16.5 इंच है वो लंबाई है हमारी, तो वो सेम मेजरमेंट की रखनी है और 13.5 इंच उसकी चौड़ाई ले लेनी है। और यहाँ पे कर लेना है सेंटर पे मार्क दोनों साइड ऊपर और नीचे। और फिर ये यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड है ना वहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये जो 5 इंच पे मार्क किया वो हमारे नीचे की साइड बनेगी और जो ऊपर किया था 3 इंच पे वो हमारे ऊपर की साइड बनेगी। तो और ये ले लिया है मैंने
बेल्ट बनाने के लिए कपड़ा 4x23.5 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसे लंबा छोटा कर सकते हैं और इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और जो हमने 3 इंच और 5 इंच पे मार्क किया ना, इस पे हम इस तरह से रखेंगे और दोनों बेल्ट स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये दोनों बेल्ट हमारे स्टिच हो गए और अभी ये पीस है ना, उसमें ये जो बेल्ट है ना सिलाई में ना आ जाए, इसके लिए मैं इसे पिनअप कर रही हूँ। इस तरह से पिनअप कर लेंगे तो ये सिलाई में नहीं आएंगे, नहीं तो कभी कभी सिलाई जब करते हैं तो सिलाई में आ जाते हैं, हमारे साइड की सिलाई जब लगाते हैं ना तभी। अभी ये देखिए, ये सेंटर और ये सेंटर, जो ऊपर का हिस्सा मैंने बताया ना आपको, वही ऊपर का हिस्सा इसमें अटैच करना है। और यहाँ से एक साइड हम खुली रखेंगे जो नीचे की साइड है, बाकी तीनों जगह पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टिच करेंगे हम तो ऊपर की साइड है वो, और साइड की दो साइड, वो तीनों साइड हमें पैक कर लेनी है। ये देखिए, ये आप यही माप का बनाएंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। जो थोड़ा कम ज़्यादा आप लेते हैं ना, तो थोड़ा कभी कपड़ा बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, कभी बढ़ता है तो प्लीज ले लेते हैं, तो कपड़े की बैग में कुछ दिक्कत नहीं आती है। और अभी यहाँ बेस बनाने के लिए मैंने ये क्विट किया वो फैब्रिक ले लिया, 13.5 इंच बाय 7 इंच इसका माप है। और इसे हम 13.5 इंच है वहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे, दोनों साइड उल्टी साइड हमें ये मार्क करना है। और ये मार्क और जो नीचे की साइड हमने जो सेंटर का मार्क किया था वो दोनों हमें मिला लेना है इस तरह से, और फिर पूरे में ऐसे घुमाते हुए स्टिच करके ये पार्ट यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने स्टिच करके अटैच कर लिया। आप चाहें तो कवर सिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम अभी बैग को कर लेंगे सीधा, और यहाँ पे मैंने जो पिनअप किए वो मैं निकाल लूँगी और फिर बैग को कर लूँगी सीधा, तो हमारा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा। कितना अच्छा, और 4 पॉकेट वाला और 5 पॉकेट जो हमारा मेन पॉकेट है, वो मेन पॉकेट और 4 पॉकेट छोटे छोटे, ऐसा हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, ये कितना बड़ा पॉकेट है, इसको आप कपड़े या ट्रैवलिंग में कुछ लेके जाना हो तो लेके जा सकते हैं, ट्रैवलिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर स्कूल के लिए ट्यूशन के लिए भी आप बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैग का ये फाइनल लुक आया है। ये देखिए कितना प्यारा सा बैग है। आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।